महासमुंद जिले में विपणन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही एवं प्लेसमेंट एजेंसी की मनमानी के चलते सैकड़ों मजदूरों को पिछले दो महीने से मजदूरी नहीं मिली, जिसके चलते मजदूर साहूकारों से कर्ज लेकर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होती देख धान संग्रहण केंद्र में अब मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। यहां मजदूर प्लेसमेंट एजेंसी पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं विपणन विभाग के आला अधिकारी ठेकेदार को अप्रैल तक का भुगतान कर देने का दावा कर रहे हैं। जब हम 19-20 साल से यहां काम कर रहे हैं, कुली काम कर रहे हैं, हमारे क्या अभी फरवरी 2019 से हमको बिना पूछे कोई ठेकेदार को देते, राकेश सिंह ठाकुर नाम का है, और एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, अपने रेट वेट बिना तय कि हमसे ना, वो अपना पेमेंट खुद भेज दिया वहाँ पर से, और क्या रेट है क्या रेट कुछ नहीं, कुछ हम कोई चर्चा ही नहीं हुआ उसके बारे में। तो अभी क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? समस्या यही है कि फरवरी माह में जो हम लोग को पेमेंट भेजा और ऑफिस वाले हमसे बिना जानकारी पूछे, हमारी जो PF के जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर सब ठेकेदार को दे दिए गए। हम मार्केट में काम करते हैं 2001 से, और हमला पेमेंट नहीं मिला थे भैया, जो ठेकेदार से हम बात करते हैं वो बोलते हैं हमारा पेमेंट दें भैया, हम गरीब आदमी हैं, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो बोलते जो करना है वो कर लो, मैं पेमेंट नहीं भेजे सकूंगा, ऐसे बोलते हैं। तब हम गरीब आदमी भैया, हम लोग लेकर मतलब पढ़ाबो खवाबो काला, और जब तक वो पैसा नहीं दी पेमेंट नहीं करी तो हट जाए ठेकेदारी से। भी पता किया तो उनका कहना है कि फरवरी और मार्च का पूरा भुगतान हो गया, रही बात अप्रैल की तो अप्रैल का टोटल 18 लाख के आसपास अमाउंट बनता है, जिसमें प्रोसेस ये है कि हेड ऑफिस से अमाउंट आने के बाद हम कॉन्ट्रैक्टर को RTGS करते हैं। तो अप्रैल मंथ का 18 लाख के आसपास अमाउंट था, जिसमें से 10 लाख ही हमको फिलहाल हेड ऑफिस से रिसीव हुआ है, और वो पूरा 10 लाख RTGS कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को।